रमी सर्किल और ऑक्ट्रा FX जैसे गेमिंग ऐप से जीतने वालों के पैसे फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर कर उनसे कमीशन लेने वाले गिरोह के चार लोगों को बहराइच के रुपईडीहा पुलिस और SSB ने धर दबोचा है। इस गिरोह को पुलिस ने नेपाल जाते समय पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने महिंद्रा थार गाड़ी, 13 मोबाइल फ़ोन, फेक ID पर निकाले गए 49 सिम कार्ड, एक लैपटॉप, लगभग 46,000 रुपये और अलग अलग बैंकों के 10 क्रेडिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि ये लोग टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी खाते खुलवाकर विभिन्न मोबाइल नंबरों पर लिंक करके जीतने वालों लोगों से संपर्क कर उन्हें QR कोड उपलब्ध कराते थे, जिसके लिए कमीशन के तौर पर ये गिरोह के लोगों से 5,000 से 10,000 रुपये तक कमीशन लेते थे। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इनके कहाँ कहाँ लिंक है इसकी खोजबीन में टीम लगी हुई है। क्या है थाना रुपईडीहा पुलिस और SSB की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर ये चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये थार जीप से आ रहे थे, इसमें आरिफ और फैज खान, मोहम्मद अशरफ और उसामा बेग हैं जो कि बहराइच जनपद के ही रहने वाले हैं। इनके पास से एक लैपटॉप और 13 मोबाइल, 46 सिम कार्ड जो विभिन्न फेक ID के बने हुए थे और 46,320 रुपया और करीब 10 क्रेडिट कार्ड जो विभिन्न बैंकों के थे उससे प्राप्त हुए हैं। इनके द्वारा मुख्य रूप से जो ये फर्जीफिकेशन किया जाता था, जैसे कि ये जो गेमिंग ऐप हैं जैसे रमी है, ऑक्टाफैक्स वगैरह है, इसमें टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ करके उनसे अपना ये नंबर लिंक कराते थे और जो फर्जी इनके अकाउंट नंबर जो टेलीग्राम ग्रुप में विभिन्न जो ग्रुप बने हुए हैं उनसे ले करके अकाउंट खुलवाते थे और उससे पैसा ट्रांसफ़र कराते थे। जो लोग जीतते थे उनसे पैसा भेजते थे, QR कोड भेज करके उससे अपनी कमाई करते थे। तो इस तरह से काफ़ी इनके जो सिम मिले हैं उसमें पूरी टीम लगाई गई है, साइबर थाना भी इसमें इन्वॉल्व है और सर्विलांस की टीम लगाई गई है। उसमें काफ़ी अभी जांच का ये विषय भी है कि इसमें कितने इन्होंने फर्जी अकाउंट खोले हैं, कहां कहां से इन्होंने पैसा मंगाया है और इसमें विभिन्न धाराओं में इनको मुकदमे पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है और इनका पुलिस कस्टडी रिमांड भी इनके लिया जाए जिससे विस्तृत पूछताछ इनसे की जा सके। कौन कौन सी गेमिंग ऐप थी? मुख्य रूप से अभी रमी और ऑक्टाफैक्स इन्होंने बताया, लेकिन बाकी इनके अभी और मोबाइल सब चेक करा करके और सर्विलांस की मदद से और सब देखा जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट नंबर में कहाँ कहाँ से इन्होंने मंगाया और कौन कौन से इन्होंने कौन से गेमिंग ऐप से मंगाए हैं और कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे, टेलीग्राम के कौन से ग्रुप बने हुए हैं, किससे कॉन्टैक्ट में थे, लोगों को भी ये टारगेट करते थे कि ये सभी मतलब ऑल इंडिया का था इनका कि कभी भी मतलब जो भी ग्रुप है किसी भी अकाउंट नंबर से कहीं से भी जो खेलते हैं गेमिंग ऐप के माध्यम से उनको फर्जी अकाउंट से पैसे भेजते थे। जो ऑपरेशन था वो क्या था? ये पैसे कंपनी से जुड़कर ये ट्रांजेक्शन्स करते थे या इंडिविजुअली? ये कंपनी में खेलते थे, जो पैसा उसमें कमाते थे ये फर्जी अकाउंट खोलकर QR कोड के माध्यम से उसे पैसा ट्रांसफ़र कराते थे और जो लोग जीतते थे उनके माध्यम से पैसे उनको भेजते थे, उससे कुछ कमीशन भी लेते थे। वो अभी भी अभी पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के और पूछताछ की जाएगी जबकि इनके और डाटा इसमें खंगाले जाएंगे, उसमें देखा जाएगा कौन कौन से लोग इसमें और आगे जुड़े हुए हैं। इनकी चूँकि 46 सिम बरामद हुए हैं, किस नंबर से सिम लिए गए हैं, कौन कौन से अकाउंट खोले हैं, कौन कौन अकाउंट वाले होल्डर इसमें इन्वॉल्व हैं, ये काफ़ी अभी विस्तृत जाँच के विषय है। ये बॉर्डर से ही अपनी गतिविधियों को संचालित करते? नहीं, ये तो बॉर्डर में केवल घूमने गए थे और बॉर्डर से संचालित नहीं करते थे, ये अपने जनपद से संचालित करते थे। अभी तो इसमें अभी भेजा गया है, अभी फिलहाल तो नेपाली सिम का नहीं इसमें आया है, केवल अपने भारतीय सिम के हैं और भारतीय मुद्रा ही से बरामद हुई है। सर, जनपद से कितने लोगों को टारगेट कराया? अभी ये भी पूरा कुछ क्लियर अभी नहीं हुआ, ये जांच का भी उसमें विवेचना इसमें चल रही है, अब इनकी विस्तृत जाँच करके इसमें कुछ आइडिया है कितनी रकम का इन लोगों ने ये हेरा फेरी की होगी? अब इनके द्वारा चूँकि कई 46 सिम है तो विभिन्न अकाउंट हैं तो काफ़ी जैसे लगभग 50 लाख से ऊपर तो उन्होंने बताया कि ट्रांजेक्शन उन्होंने कराया है, उसका एक कमीशन भी लेते थे। अभी इसमें देखा जाए कितना इन्होंने अकाउंट में दिया, कितना इनके पास से मिला है, कितना उन्होंने फेक ID बना कर कितना इसमें